आज जा रहा हूँ एक इवेंट में और आपको दिखाने चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में शादी ब्याह में जब फंक्शन होते हैं तो कैसे होते हैं वो फंक्शन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रेहान जमाल ऑफिशियल में सबको दिल से सलाम। पाकिस्तान के लोगों को बहुत प्यार, हिंदुस्तान के लोगों को बहुत प्यार, दुबई के लोगों को बहुत प्यार, सऊदी अरब, अमेरिका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, युगांडा, तमाम लोगों को बहुत प्यार। अच्छा, आप लोग आज ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं आज अहमद खान की शूट पे जा रहा हूँ, बल्कि मैं आज जा रहा हूँ एक इवेंट में और आपको दिखाने चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में शादी ब्याह में जब फंक्शन होते हैं तो कैसे होते हैं वो फंक्शन। तो आज आपकी वहाँ पे मुलाकात कुछ सिंगरों से भी करवाएंगे, कुछ बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्टों से करवाएंगे और आज मेरे साथ पहली दफा किसी इवेंट में जा रहे हैं अयान जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अयान जमाल साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और आप बताएं कैसे? ओहो, नहीं हुडी पहनी आज तो? बिल्कुल नहीं पहनी आज तो, गए भाई आज तो। मैं कह रहा हूँ लड़कियां गई आज भाई, आज फिर हम दोनों का मुकाबला है, देखते हैं कौन ज्यादा हिट होता है। और चलो कौन हो जाए, हो जाए फिर, हो जाए, हो जाए, हो जाए। तो नाज़रीन, अब हम जा रहे हैं, रास्ते में है और रास्ता है बहुत करीब और लोकेशन हमने लगा दी है, ये देखिए लोकेशन हमने लगा दी है। तो हम पहुंचने वाले एक शादी के शो में, जहाँ पे हम आपकी मुलाकात कराएंगे बड़े बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्टों से और म्यूजिक दिखाएंगे, फंक्शन का माहौल दिखाएंगे, लोग नाच रहे होंगे, अल्लाह गुल्ला कर रहे होंगे। तो बस अब थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे वहीं, तो जब तक के लिए मैं आपको करता हूँ कट। ले जी, पहुंच चुके हैं इस वक्त इवेंट में और सारे पुराने दोस्तों से मुलाकात हो रही है, जिसमें सबसे पहले तो सलमान को तो आप लोग जानते हैं। सलमान भाई कैसे हैं आप? ठीक है, बेहतरीन। तू सुना, सब ठीक है? आ गया तू? लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गया। आइए मैं आपको फील्ड के दादा से मिलवाता हूँ। दादा हमारे दादा बड़े सीनियर गिटारिस्ट हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बड़े बहुत जबरदस्त म्यूजिशियन है हमारे सईद भाई। सईद भाई अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सबके सही है, सब खैरियत है भाई। सदा बाहर है हमेशा, बेस गिटार बेहतरीन प्ले करते हैं। सदा बाहर है, इसकी घर से ही बाहर है। आपको इनकी प्लेइंग दिखाएंगे कि प्लेइंग क्या है। और एक और बड़ा जबरदस्त म्यूजिशियन है शकील जुल्फी, 11 बच्चे हैं इसके। ऐसी मजाक करते हैं, इसकी ताकत इसके बालों में। यानी शकील जुल्फी परकेशन प्लेयर, जब कभी कॉन्गो का दौर हुआ करता था, आपको याद होगा जब कॉन्गो बजते थे तो लोग बड़ा एंजॉय करते थे, लेकिन अब कॉन्गो जो है एक मॉडर्न तरीके से आ गया, मॉडर्नाइज हो गया, तो वही प्ले करते हैं जिसको हम परकेशन कहते हैं। उसमें डब भी होती है, उसमें ढोलक भी होती है, सारी चीजें होती है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे म्यूजिक में डाला, सलमान है, शकील है। तो आज आपको प्लेइंग दिखाएंगे इनके साथ की प्लेइंग क्या है, तो मजा करेंगे। फिर असद, असद भी है यहाँ पर, ये ऑपरेशन थिएटर में आए हुए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद और आप लोगों को दिखाते हैं। सलमान भाई अभी रस्में हैं, क्या है? अभी रस्म चल रही है। रस्म एक कसम है जो होनी जरूरी है।
जिसको आप कुछ भी हो यार रसम होनी है, रसम तो लाजमी है भाई। और जिसने रसम नहीं की उसका मुंह बन जाता खानदान में। चले जी मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से और दिखाते आपको शो कैसा होगा। ये चल रहा है शो और पीछे दिल्ली चल रहा है, बोले हड़ाउड़ी मची हुई है, आवाज बहुत कम आ रही है, मजा आ रहा है सारे हमारे साथ कनेक्ट है, एंजॉय चल रहा है और कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, अभी कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, क्या कहना मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थमसा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी नरम जुल्फों की छाव में गुजरने वाली तो शराब हो भी सकती थी, मेरा जौन की स्याही जो मेरे दिल पे छाई है तेरी नजर की छाव में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका तो आई और हम खेलते मिलकर कौन बने करोड़ होती
इलेक्शन में खड़े होने आए, सीरियस आए आप, यकीन करें बहुत सीरियस आए। थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए मुझे ना, है? क्यों घबरा रहे हो यार? डांस पहली दफा शादी शुदा हाँ, तो फिर नाचने में क्या प्रॉब्लम है यार? है तो इशारों में नाचना चाहिए। तालियां बजती हैं तो अच्छा लगता है, गाने की वेट भी हो जाती है इस टाइम। यहाँ आए और आके जरा जोरदार ताली, हमारे सारे बच्चे मिलके बजाएंगे तालियां। क्या है? हाँ आइए सर।
हाँ जी दोस्तों, एंड कर दिया है शो का। जबरदस्त शो रहा, जबरदस्त पब्लिक, जबरदस्त एंटरटेन किया। तो इस तरह के इवेंट भी आपका भाई कर रहा होता है। तो आज का ये शो और आज का ये ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। अयान साहब हुडी बहुत अच्छी लग रही है आज। अयान साहब आप जीत गए, लोगों ने बहुत अयान को लाइक किया है। क्या कहते हैं बस वो सब आगे कह रहे थे यार कहाँ से लिए हुडी, हमें भी बताओ। मैंने कहा ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। चले जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए हैं। तो अगले कंटेंट तक के लिए रेहान जमाल को रेहान जमाल ऑफिशियल में दीजिए इजाजत। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी खैर में रखे, अपनी बरकत में रखे।